बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वेस्ट बंगाल के बर्धमान के बारे में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपको बता दें दोस्तों, बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन जिसका कोड है दोस्तों BWN, जब भी आप सर्च करेंगे और बर्धमान आप पहुंच जाएंगे। बर्धमान पहुंचने के बाद आपको बता दें कि हावड़ा दिल्ली मेन लाइन जो है बर्धमान होते हुए गुजरती है, साथ में हावड़ा गया लाइन, हावड़ा इलाहाबाद लाइन, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी लाइन, बर्धमान जो है हावड़ा से, यहाँ से बहुत सारी लोकल ट्रेनें भी चलती हैं। तो जब भी आप बंगाल जाते हैं, बंगाल के हिस्सों में हावड़ा या सियालदा जाते हैं, तो इसी लाइन से, इसी रूट से होते हुए गाड़ियाँ गुजरती है। 1855 ईस्वी में इस स्टेशन को ओपन किया गया था, जहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म है और 10 ट्रैक बनाए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था ये सामने के लोकेशन में आप देख सकते हैं, ये जंक्शन है जहाँ से आप एंट्री लेंगे और यहाँ पर पार्किंग का व्यवस्था है, जहाँ पर ट्रक वगैरह, टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो है सारी गाड़ियाँ आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है, इसी बिल्डिंग में आपको कंप्यूटर से आरक्षित टिकट वाला काउंटर मिल जाएगा, साथ साथ में यहाँ पे दुकानें मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और जो जो सामान है आपको लेना है, इन सभी चीजों को आप यहाँ पे ले सकते हैं। 1855 ईस्वी में ओपन किया गया था और 1958 ईस्वी में इसे इलेक्ट्रिफाइड किया गया, जो कि हावड़ा डिवीजन में पड़ता है। जोन की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे जोन में पड़ता है दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्लेटफॉर्म की अलग अलग ट्रेनें आती हैं, अलग अलग लोग आते हैं और ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड यहीं पे आपको मौजूद मिल जाएगा। तो ये पूरी तरीके से बहुत ही बड़े क्षेत्र में बनाया गया है, इलेक्ट्रिफाइड है पूरी तरीके से। और बर्धमान के, अगर आप बर्धमान डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, बर्धमान एक तरह से पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आप जब भी जाते हैं बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, तो आपको इसी रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ेगा। देन यहाँ से आप यहाँ का माइंस एरिया भी जा सकते हैं और बर्धमान के मार्केट वगैरह भी आप यहाँ पे घूम सकते हैं। तो काफ़ी संख्या में लोगों की जनसंख्या होती है। ये जो है ग्रैंड ट्रंक रोड में बर्धमान में स्थित है जंक्शन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप घूम भी सकते हैं बर्धमान के कुछ जगह पे, साथ साथ में यहाँ पे रेड लाइट एरिया भी जा सकते हैं। तो ट्रेनें लगातार आती हैं, ये बर्धमान जंक्शन है, देखिए बहुत ही बड़े क्षेत्र में अब जो है प्लेटफॉर्म को बना दिया गया है। और जब भी आप हावड़ा से दिल्ली, यानी कि दिल्ली से हावड़ा जा रहे हैं, तो इसी रूट से यहाँ से ट्रेन रुकती है, देन आगे जो है आसनसोल वगैरह रुकती है और फिर ये पहुँचती है हावड़ा की ओर। तो बर्धमान इसीलिए फेमस है चूँकि यहाँ पे जंक्शन है और काफ़ी सारी जितनी भी गाड़ियाँ, चाहे हम सफ़र एक्सप्रेस हो या फिर और भी जो गाड़ियाँ दुरंतों वगैरह, राजधानी वगैरह, वो सब का स्टॉपेज यहाँ पे दिया है, जिसके कारण से यहाँ काफ़ी संख्या में लोगों की जनसंख्या भी होती है। तो बर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है ये है, आप देख सकते हैं बाहर में यहाँ पे मंदिर वगैरह भी है जो कि आप घूम सकते हैं। सिटी से जैसे ही आप उतरेंगे, वहाँ से आपको ऑटोज वगैरह मिल जाएगा, ऑटो के सहारे आप सिटी के अनेक हिस्सों में घूम सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है आपको ऑटो का सुविधा मिल जाता है। अगर रूम की बात करें, होटल की बात करें, तो आपको 500 से लेकर 5000, जिस तरीके से आपका बजट है उस तरीके से होटल भी ले सकते हैं। अगर आपको गेस्ट हाउस चाहिए तो बहुत ही कम रेंज में आपको मिल जाएगा। और ये मंदिर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो कि यहाँ पे आके भी आप घूम सकते हैं। और ये रेलवे स्टेशन है, पूरी तरीके से रेलवे स्टेशन को स्वच्छ रखा गया है। यहाँ के साथ साथ में डीजल जो है इलेक्ट्रिक लोको सेट भी है, इसके साथ साथ में यहाँ पे आप और जगह पे घूम सकते हैं। तो ये सारी जानकारी था, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वर्तमान आप जब भी जाते हैं तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी, हुगली नदी यहाँ से क्रॉस किया हुआ है, जो कि हुगली नदी भी आप देख सकते हैं। और रानीगंज के क्षेत्र में आता है बर्धमान, जो कि यहाँ से उतर के आप रानीगंज के कोल माइंस वगैरह जा सकते हैं। ये ऑटोज वगैरह आपको बाहर में हमेशा मिलते ही रहेगी। ये बाहर का सीन है, देख सकते हैं बहुत ही बड़े स्पेस में है, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ा करने के लिए स्पेस है। ओवरब्रिज बनाया गया, एस्केलेटर का सहारा लेके आप नीचे जा सकते हैं। फुटवेयर भी बनाया गया है, जो कि उसमें भी चल सकते हैं। और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ी भी लगाया गया, जिसके सहारे भी आप घूम सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। तो 10 ट्रैक में 8 प्लेटफॉर्म, जो कि लगातार 8ों प्लेटफॉर्म में अलग अलग गाड़ियाँ आती है। ज़्यादातर गाड़ियाँ जब भी आपको यहाँ से लेना है, तो बर्धमान से आप हावड़ा जा सकते हैं, जो कि तुरंत जा सकते हैं। अगर आप रिजर्वेशन नहीं कराते तो तत्काल टिकट या फिर आपको यहाँ पे जनरल टिकट अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि बाहर के हिस्सा में मिलता है। खाने पीने का हर एक प्लेटफॉर्म में दुकानें हैं, जो कि कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक प्लेटफॉर्म में आपको दुकानें मिल जाएंगे। TT वगैरह यहाँ अवेलेबल रहता है, इसीलिए आप जब भी जाएँ तो टिकट कटा के ही जाएँ, देन आप यहाँ पर और जगह पर आप घूम सकते हैं। तो ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नॉन एसी, एसी दोनों आपको यहाँ पे रूम अवेलेबल मिल जाएगा, जो कि आप ठहर सकते हैं। और डॉर्मेट्री रूम भी अवेलेबल है, और 8 बेडेड का, जो कि आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और रेलवे स्टेशन में 2 जो है बेडेड नॉन एसी रिटर्निंग रूम भी है, इसके साथ साथ में एसी वाले डॉर्मेट्री भी है।
तो ये पूरा जानकारी था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके पास भी कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम कहीं और जगह पर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान दें। और यहाँ पर आपको ATM का भी सुविधा अवेलेबल मिल जाता है, और ये आप देख सकते हैं कोल माइंस क्षेत्र है, तो पूरी तरीके से यहाँ कोयला का जो मालगाड़ी है वो बहुत ज़्यादा गुजरती है। थैंक यू।